इस शरीर के माध्यम से आप संसार को देख रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड को देख रहे हैं इस फिजिकल बॉडी के द्वारा, पर आप फिजिकल बॉडी नहीं है। आपका अस्तित्व केवल यहीं तक नहीं है, ये आपका एक प्रकट रूप है, एक भौतिक प्रकट रूप है। इसके पीछे जाइए, पीछे जाइए, प्राण शरीर पर अनुभव कीजिए कि आप प्राण चेतना है। फिर आप मन की चेतना को अनुभव करें कि आपका एक मानसिक शरीर है, आपकी भावनाएं हैं, आपके इमोशंस हैं जो इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस शरीर के साथ परफेक्ट मैच करते हैं। क्योंकि जैसी आपकी मन की भावनाएं हैं, आपके मानसिक विचार है, वैसे ही आपने शरीर धारण किया है, उससे अलग नहीं है। वैसे ही आपने प्राण धारण किया है, प्राण शरीर धारण किया है, प्राण आपके विचारों से बिल्कुल अलग नहीं है। विचार प्राण और आपके शरीर से बिल्कुल अलग नहीं है, उनकी एक सामंजस्यता के साथ एक चेतना है जिसे हम भौतिक चेतना कहते हैं। परंतु आपका अस्तित्व थोड़े समय के लिए ही डीअटैच हो जाए इस भौतिक चेतना से, इस प्राणिक चेतना से, इस मानसिक चेतना से। आपकी आत्मिक चेतना में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ घट सकता है, आप वहां स्थिर हो जाए। आत्मा होकर देखें कि संसार को मैं साक्षी भाव से देख रहा हूं, यह सब हो रहा है, मैं इसका विटनेस हूं। आप जो कुछ भी कर्म करते हैं वो आप प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गुणों के द्वारा ही कर्म करने के लिए विवश होते हैं, यही सत्य है। तो आप प्रकृति से स्वयं को अलग करें, उसी का नाम वैराग्य है। और वैराग्य कुछ नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि मन को कैसे वश में करें। दो ही तरीके हैं और दोनों को साथ अप्लाई करना है, अभ्यास और वैराग्य। जिस वैराग्य की बात यहां हो रही है, आप उसको दो मिनट के लिए ही सही उस स्थिति में आ जाइए और उसका लगातार लगातार प्रतिदिन रोजाना ध्यान रहे कि इसका अभ्यास करना है। दो मिनट रोज निकालने हैं, फिर उसको बढ़ाना है। यही वैराग्य और अभ्यास मन को साधने का सबसे बड़ा मंत्र है। और अब यदि आप रोज प्रतिदिन वैराग्य का अभ्यास करने के लिए तैयार हैं, तो एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए और लिखिए पंच महाकोश। सबसे पहला कोश है अन्नमय शरीर, अन्नमय कोश। उसके बाद लिखिए प्राणमय कोश। उसके बाद लिखिए तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश। अब आपको ये एक चार्ट के रूप में, एक वर्ग के रूप में क्रमशः समझना है, रोज इस पर विचार करना है, इसी पर मंथन करना है। आपका अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ साथ चलेंगे किस दिशा में, इस पंच महाकोश की यात्रा की दिशा में। अन्नमय शरीर, ये शरीर से यात्रा प्रारंभ करनी है कि जिसकी चेतना को आप अनुभव कर रहे हैं, जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और जिसका सुख भोग रहे हैं, इस शरीर के साथ आनंदमय कोश तक की यात्रा आपने करनी है, जिसके लिए क्रमशः 1 2 3 4 5 पांच आपने कोश के नाम लिख लेने हैं और उसको लिखना है पंच महाकोश की यात्रा। और इस चार्ट को आपने अपने बेडरूम में या अपने स्टडी रूम में लगाना है और उसको देखते रहिए, सोचते रहिए। और जहां कुछ भी आध्यात्मिक ज्ञान सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, इस पर फिट करते रहिए, इस पर लगाते रहिए कि ये क्या यात्रा के लिए अनुकूल है या नहीं है। अगर वो आध्यात्मिक विचार इस यात्रा में सहायक है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, वरना उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि अभ्यास और वैराग्य के लिए यही पंच महाकोश की यात्रा सबसे अधिक उपयुक्त है।